हैं, लेकिन जयस्तम चौक जहाँ उसे फांसी दी गई थी उस स्थान पर भी शहीद वीर नारायण सिंह जी का आदमकद प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। हाय सो हाय दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और एकदम मस्त होंगे। सो मैं भी अच्छा हूँ और एकदम मस्त हूँ। इस वीडियो में आप सभी को सोना खान के बारे में बताया हूँ, हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम सेनानी जो कि शहीद वीर नारायण सिंह जी थे उनके बारे में आप सभी को बताया हूँ, और इस वीडियो में आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जाइए और देखिए वीडियो कैसा है, कमेंट करके जरूर बताना। शहीद वीर नारायण सिंह जी का जन्म 1795 में जोग नदी के दक्षिण तट पर सोना खान में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1857 में छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के जयस्तंभ चौक पर इन्हें फांसी दे दी गई थी। आज मैं जा रहा हूँ सोना खान। आज है 10 दिसंबर और भारत अपनी आज़ादी के 75 साल पूरे कर चुका है, लेकिन इस आज़ादी को पाना इतना आसान नहीं था। देश के सैकड़ों सेनानियों के सालों के संघर्ष और बलिदान का नतीजा है कि आज हम स्वतंत्र है। देश की आज़ादी के लिए अपनी जान देने वालों में एक नाम छत्तीसगढ़ के शहीद वीर नारायण सिंह का भी आता है, जिन्होंने अंग्रेजों के समर्थक का गोदाम लूट सारा अनाज गरीबों में बंटवा दिया था। वे 500 आदिवासियों की फौज बना अंग्रेज सेना से भिड़ गए थे, जिसके बाद अंग्रेजों ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के बीच चौराहे पर उन्हें तोप से उड़ा दिया था। उस जगह को ही आज जयस्तंभ चौक कहा जाता है। शहीद वीर नारायण सिंह जो एक जमींदार परिवार में जन्मे, चाहते तो वो अंग्रेज के राज में भी आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने आज़ादी को चुना और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। तो अभी मैं आ चुका हूँ सोना खान और मैं हूँ अभी शहीद वीर नारायण सिंह जी के घर के पास। तो ये है उनका घर। स्मारक के पास मैं हूँ अभी, सो पीछे देख सकते हैं आप। चलिए चलते हैं। शहीद वीर नारायण सिंह जी का स्मारक, यह है शहीद वीर नारायण सिंह जी का जीवन परिचय, पुश करके आप पढ़ सकते हैं। शहीद वीर नारायण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी 130वीं बरसी पर 1987 में सरकार ने 60 पैसे का स्टाम्प जारी किया, जिसमें वीर नारायण सिंह को तोप के आगे बांध दिया गया था। यही नहीं, रायपुर के क्रिकेट संघ ने शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण सन 2008 में करवाया। यह स्टेडियम कोलकाता के इंडियन आइडन गार्डन के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। वीर नारायण सिंह शहीद उद्यान। वीर नारायण सिंह अंग्रेजों से लड़ने के लिए तलवार, भाला, गदा और कटार का उपयोग करते थे, जो आज भी सोना खान के 7 किलोमीटर दूर घने जंगलों के
के बीच एक गुफा में सुरक्षित रखा हुआ है। गुफा में 200 साल पुरानी एक भगवान की मूर्ति भी है, जिसकी पूजा वीर नारायण सिंह और उनके पूर्वजों करते थे। माना जाता है कि आज भी शहीद के कुल देवता उनके हथियारों की रक्षा करते हैं, और जो भी उनके हथियारों को चुरा कर या फिर संग्रहालय में प्रदर्शनी के लिए लाया जाता है, वे सभी हथियार वापस उसी जगह पहुंच जाता है। अभी अपन एंट्री करते हैं अंदर। एक तो सोना खाने लग तहसील बनाए के बाद मैं घोषणा कर रहा था, साथ ही चुनरा ससुआ एक परिचय करा रहे हमारे छत्तीसगढ़ मातारी के सपूत जिला जय स्तंभ रायपुर में और फांसी टांगे गए इसे वो जय स्तंभ चौक के पास ही बहुत सुंदर ढंग से वो जगह है। ऐसे आदम का प्रतिमा वो जय स्तंभ चौक में लगाए जाए थे कर मैं घोषणा करा था। अभी अपन जा रहे हैं मेले के साइड, देख सकते हैं काफी ज्यादा भीड़ है। यहाँ पे जूस वगैरह मिल रहे हैं, चूड़ी वगैरह ले सकते हैं। से भी है ये 220 का, ये 230 का बड़ा वाला, 230 और ये। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पर चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना अपने भाई का। इंस्टा पे अगर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप कुछ पूछना हो तो मैं कमेंट में बता ही देता हूँ, बट पर्सनल कुछ पूछना हो तो इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। सो टाटा टाटा टाटा।